यह नज़ारा है शास्त्री नगर जिला चांदनी चौक के महामंत्री हरिकिशन गुप्ता के कार्यालय का, जहां माताओं और बहनों के लिए निःशुल्क मेहंदी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हरिकिशन गुप्ता जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेहंदी का आयोजन माताओं और बहनों के लिए किया। साथ ही उनके कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी आकर हरिकिशन गुप्ता जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उन्हें लंबी आयु की शुभकामनाएं दी। आए हुए सभी लोगों ने मिलकर केक भी काटा और माला व पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान भी किया और सभी ने खुशियां मनाई, साथ ही काफ़ी मौज मस्ती की। इस कार्यक्रम में हरिकिशन गुप्ता जी ने आए हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को धन्यवाद किया और आए हुए सभी माताओं और बहनों का भी धन्यवाद किया। जो माताएं बहनें मेहंदी लगवाने आई थी, उन सभी लोगों ने हरिकिशन गुप्ता जी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाई दी। साथ ही बता दें कि करवा चौथ का त्यौहार महिलाओं के लिए बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है। इसमें हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन चंद्रमा को देखने के बाद यह व्रत पूरा हो जाता है। इसी मौके पर आए हुए सभी माताओं और बहनों के लिए गोलगप्पे और टिक्की की व्यवस्था भी करवाई गई और महिलाओं के अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिला। साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि हरिकिशन गुप्ता जी इस तरह के कार्यक्रम हर साल करते रहते हैं और क्षेत्र के सभी समस्याओं को लेकर हमेशा आगे खड़े रहते हैं। ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए रखा है, महिला माता बहनों के लिए रखा है। करवा चौथ का प्रोग्राम है ये। ये प्रोग्राम हम साल में दो बार करते हैं, रक्षाबंधन वाले दिन और एक करवा चौथ वाले दिन। सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी बहनों का त्यौहार अच्छा रहे, खुश रहें, खुशी रहें। मैं अपने भाई और हमारे ज़िले के महामंत्री हरिकिशन गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ उनके जन्मदिन पे। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वो बहुत तरक्की करें, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो ऐसे ही लोगों की सेवा करते जाए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के महिलाओं का उत्साह देखकर कि आज उन्होंने इतनी सारी बहनों की मेहंदी लगवाई है और उनके बजट में थोड़ी सी इजाफा हुआ है कि उनके पैसे बच गए हैं महिलाओं के, आज 500 रुपये 600 रुपये, और उन्हें दावत में गोलगप्पे और टिक्की भी मिली है और केक भी खाने को मिला है। तो हरिकिशन जी ने बहुत अच्छा इंतज़ाम करा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इन सब बहनों की दुआएँ हरिकिशन जी को मिलेंगी और वो बहुत तरक्की करेंगे और प्रभु उनके लंबी आयु की मैं कामना करती हूँ प्रभु से। मैं आज हरिकिशन जी का जन्मदिन भी है। हाँ जी, मैंने बोला कि मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भाई को बहुत तरक्की दे, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे और वो लोगों की ऐसे ही सेवा करते रहे। नमस्कार भाई साहब, पहले तो सबको जितने भी दर्शक देख रहे हैं हम सबकी तरफ से और पूरे शास्त्री नगर की तरफ से हरिकिशन गुप्ता जी को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। आज करवा चौथ के उत्सव पर भैया ने सबके लिए जो ये प्रोग्राम अरेंज किया है, इसमें हम सब बहनों को बहुत खुशी है। आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कितनी बहनें आई हैं जो आज मेहंदी लगवाने के लिए यहाँ बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं और ये भैया हमेशा सबकी मदद करने के लिए, सबको व्यवहारिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। इन भैया का जितना धन्यवाद किया जाए बहुत कम है। सबसे ज़्यादा है कि इन भैया को मैं 17-18 साल से जानती हूँ और इन भैया ने बहुत अच्छा शास्त्री नगर में कार्य किया है। किसी की सहायता करनी हो, कुछ भी करना हो, इन भैया का परफेक्ट है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर हरिकिशन गुप्ता जी ने, जो हमारे यहाँ के प्रधान जी हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पर सबको मेहंदी लगवाई और सारी औरतों के 500-500 रुपये बचा लिए और बहुत अच्छा लगा। उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, यहाँ पे खाने पीने को भी बहुत कुछ अरेंजमेंट करवा रखा है उन्होंने और बहुत अच्छा लगा हमें। देखो मेहंदी का डिज़ाइन कितना अच्छा लगाया है उन्होंने, हमारे आगे पीछे जैसा हमने बोला वैसे ही डिज़ाइन लगवाया है इन्होंने यहाँ पर। और हमारी दीदी भी है और आज उनका जन्मदिन भी है और हार्दिक शुभकामनाएँ हमारी तरफ से इनको और हमारे सारे शास्त्री नगर वालों की तरफ से इनको सारी शुभकामनाएँ। सबको बहुत अच्छी मेहंदी भी लगी है और काफ़ी उत्साह के साथ सब मेहंदी अच्छी डिज़ाइन वगैरह अच्छे लगा रहे हैं मेहंदी। और भैया का जन्मदिन भी है तो उसके उपलक्ष्य में सुबह केक भी खिलाया है और गोलगप्पे टिक्की का भी प्रबंध किया है। तो अच्छा लग रहा आके तो, और भाई साहब ने आज बर्थडे भी है उनका और टिक्की गोलगप्पे भी लगा रखे हुए ने और मेहंदी भी बहुत अच्छी लगवा रहे ने सब नू, बहुत अच्छा लग रहा बहुत। नमस्कार करती हूँ क्योंकि इन्होंने हमारा ई श्रम कार्ड बनवाया था जिससे कि हमारे बैंकों में पैसे भी आए थे और
ये जो कार्यक्रम करते हैं ये हमेशा करते हैं और इसमें मैं पहली बार है जो कि मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा इस बार यहाँ पे पार्टिसिपेट करती रहूँ।